वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो चाइना से और इंडिया से रिलेटेड होने वाला है और इस वीडियो में जो है वो बेसिकली चाइना जो है उन्होंने जो है वो कोई ऐसी वैसी हरकत की है जो कि हमेशा ही हमें पता है कि वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो चलते देखते हैं कि उन्होंने इस बार क्या किया है। हिंदी नॉलेज का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट और देख लेते हैं ये वाली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात मैं कह रहा हूँ चीन के संदर्भ में। आपको याद होगा जब हमारा चंद्रयान मिशन फेल हुआ था तो चीनी मीडिया ने और चीनी सरकार ने किस तरीके से भारत की मजाक बनाई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी तब भी चीनी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत की मजाक बनाने में और भारत की मिसाइलों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो हुआ है उससे चीन और चीनी सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये आप में से भी कई लोगों ने मुझे भेजा और सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने ये कहा कि ये एक मीटियोर शावर है, यानी कि उल्का पिंडों की बारिश। लेकिन आज सुबह होते होते पता ये चला कि ये कोई मीटियोर शावर नहीं था, ये कोई प्राकृतिक घटना भी नहीं थी। दरअसल ये चीन का एक रॉकेट था जो अंतरिक्ष से गिर रहा था। और ये गिरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक के आसपास कई इलाकों में टुकड़ों में टूट टूट कर गिरा है। और कई जगह तो हालात ये थी कि जो इस रॉकेट के टुकड़े थे वो आबादी के बेहद ही करीब जाकर गिरे हैं। अगर 100 मीटर इधर या उधर जाकर ये गिरते तो किसी ना किसी गांव पर गिरते जहां पर भारी जान माल का नुकसान भी हो सकता था। और ये रॉकेट था कौन सा? तो बताया जा रहा है कि ये चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है। आप में से कई लोगों को याद आ गया होगा कि अब से मात्र कुछ महीने पहले ही भारत के करीब मालदीव में भी एक ऐसा ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना का क्रैश हो चुका है। जी हाँ, अब दूसरा रॉकेट सीधा भारत की सरजमी पर आकर गिरा है। वहीं बात करें चीन की तो उसने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध ली है क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर उसकी खूब बेइज्जती हो रही है, खूब छीछा लेदर की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर जितना ज्यादा वो बोलेगा ये मामला उतना ही तूल पकड़ेगा। ऐसे में चीनी मीडिया भी और चीनी सरकार चुप बैठ गई है। बात करें भारत सरकार की तो हम अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जितने भी ये टुकड़े गिरे हैं अलग अलग जगहों पर, इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर सबूतों के साथ भारत इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखेगा। और ये बहुत ही जरूरी और गंभीर मामला भी है। क्यों? क्योंकि आज ये रॉकेट के जो टुकड़े हैं किसी और के गाँव पर गिरे हैं, कल को आपके या मेरे घर पर भी आकर गिर सकते हैं। इसका कारण यह है कि चीन लगातार हर कुछ महीने बाद इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के असुरक्षित लॉन्च कर रहा है। ये रॉकेट पूरी तरीके से बेकार है लेकिन चीन इसे बार बार लॉन्च क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। चीन ने इस रॉकेट पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं और इसीलिए बार बार फेल होने के बावजूद भी चीन इससे ही अपनी सैटेलाइट और अपनी दूसरे इक्विपमेंट अंतरिक्ष में भेज रहा है बहुत ही असुरक्षित तरीके से और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। और आप खुद सोचिए इससे भारत को कितना खतरा है। पहला जो क्रैश हुआ अब से कुछ महीने पहले वो भारत के करीब मालदीव में आकर गिरा, दूसरा क्रैश तो खुद भारत की जमीन पर आकर गिरा है और तीसरा क्रैश कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दिल्ली पर या भारत के किसी मुंबई या फिर बेंगलोर जैसे बड़े शहर पर आकर गिर जाए और भारत को जान माल का नुकसान हो। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि भारत के पास डिफेंस सिस्टम भी है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी मौजूद है जिससे कि हम इस रॉकेट को अंतरिक्ष में मार कर गिरा सकते हैं, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण ये है कि ये रॉकेट कई हिस्सों में अलग अलग टूट कर गिर रहा था और इसीलिए इसे मार कर नहीं गिरा जा सकता। अगर ये वन पीस में होता तो फिर इसे हम ASAT मिसाइल से मारकर गिराते और इसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते जिससे कि ये वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाता। ऐसे में वो काम तो संभव नहीं था लेकिन एक काम संभव है कि चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उससे जवाब मांगे जाने चाहिए।
हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बड़ी अफसोस की बात है और हमेशा चाइना कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेगा या सुधरने की कोई भी ऐसी चीज करेगा, क्योंकि चाइना हमेशा से ही जानबूझ के ये चीजें करता रहा है। कभी उइगर में चला जाता है, कभी कहाँ पर, कभी गलवान वैली में। मतलब इन लोगों की ना समझ नहीं आती है कि ये जानबूझ के इंडिया को पिन करते रहते हैं। अभी इनको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल फेंका था सुपर हाइपरसोनिक, और उसका टेस्ट का नाम लिया गया था। अब मुझे जहाँ तक लगता है वो यही लगता है कि ये चाइना ने जो हरकत की है, तो मुझे लगता है ये उसी से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, या तो वो उस चीज़ को इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कुछ किया है कि अभी हम भी फेंकते हैं और इनको बोलेंगे हमने गलती से फेंक दिया है, या हम टेस्ट कर रहे थे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लॉजिक लग रही है ना, मतलब पहले इंडिया की तरफ से ऐसा होता है, उसके बाद फिर ईरान की तरफ से होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद अब इंडिया में वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है जो कि इंडिया ने पाकिस्तान में किया था। तो रीजन भी देखना चाइना यही देगा कि हम टेस्ट कर रहे थे और गलती से जो है वो हमारा ऐसा हो गया है, हमने जानबूझकर नहीं किया, मतलब ढींग फ्लान वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो इंडिया जाहिर सी बात है वो लॉजिकली सोचते भी हैं, वो मेंटली बिल्कुल रेडी भी रहते हैं। तो खैर अब जो है यहाँ पर इमरान खान जो है वो भी जीत गया है, मतलब वो भी उसने भी एंट्री मार ली है और उसके हक में फैसला हो गया है। तो इमरान खान तो कहीं नहीं जा रहा, और उसके बाद सेम वैसे ही इंडिया में भी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो जीते थे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में ये मिसाइल का सिनेरियो हुआ था, और इसी तरह से इंडिया में भी पाकिस्तान में ये इमरान खान का हुआ है, तो चाइना की तरफ से मिसाइल चला गया। मतलब ये बात समझ नहीं आती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, कहीं घूम फिर के चीजें वहीं से आ रही हैं। मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक चीजें फील हो रही हैं वो यही है। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए कि भाई चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है और ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, ठीक है। और अगर इसमें उन लोगों ने जानबूझ के किया, गलती से नहीं हुआ, तो इस पे उनको इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखो महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनकी जानें खतरे में थी, और ये टूट टूट के गिरा है, इट्स मीन के इंडियन आर्मी जो है वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाई उस वक्त। जाहिर सी बात है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से ही हर चीज़ को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात सवाल जो उठता है वो ये है कि इन लोगों ने क्या सही किया है, और इंडियन आर्मी जो है उन्होंने तो चलो अपना रोल अदा कर दिया जो करना था, लेकिन जो वहाँ पर अगर ये कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आबादी होती वहाँ पर जा गिरता, तो फिर उन लोगों का क्या हाल होता, जो बेचारे जो वहाँ पर रेजिडेंशियल है वहाँ पर जो रह रहे हैं, और उन लोगों की जिंदगी का क्या, मतलब कि आजकल ये मिसाइल का टेस्ट का तो ट्रेंड बनता जा रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो पूरी एक प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरा जो है ना, मुझे तो चाइना की ये गेम ही लग रही है, क्योंकि कभी गलवान वैली में ये हर आए दिन कुछ ना कुछ ही इंडिया के साथ ऐसी छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। मतलब इनका ना इनको सुकून ही नहीं मिलता, मैंने हमेशा यही देखा है, कुछ ना कुछ इन्होंने करना ही करना है, क्योंकि इनको ना ये चाहते ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा, मतलब हालांकि इनको उल्टे पांव भगा भी देता है इंडिया, उसके बावजूद वो लोग वापस आ जाते हैं कुछ महीने के बाद। तो यहाँ पर मुझे मेजर गौरव आर्या जी की बात याद आ रही है कि वो ये बोलते थे कि ये चाइना हमेशा कुछ टाइम के बाद आएगा और ये अपनी तैयारी के साथ आएगा, मतलब ये बाज नहीं आने वाला, जब भी वापस जाएगा वापस दोबारा आएगा लेकिन तैयारी के साथ आएगा। तो अभी भी इन्होंने कुछ ऐसी ही प्लानिंग की, और इनको पता मौका भी मिल गया कि हम लोग यही रीजन रख देंगे जो इंडिया ने रखा था पाकिस्तान के सामने। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी इंडिया को एक्शन लेना चाहिए इस पे कि नहीं लेना चाहिए ये भी बताएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए। और हाँ, एक और चीज, चाइना में अभी ये ओमिक्रॉन भी आ रहा है, उसकी वजह से जो है ना ये एक और चीज भी हाईलाइट हो रही थी कि भाई ये लोग ध्यान बटाना चाह रहे हैं अपने चाइना के लोगों का, तो ये उसका भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ये बोल रहे थे ना जंग और वॉर के बारे में। तो आपका क्या लगता है ये कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।